हेलो व्यूअर्स, चलिए आज हम फिर से एक नया कंटेंट लेके आए हैं। थर्मोकोल के ऊपर ही तो नेम बोर्ड बनेगा, लेकिन कुछ अलग स्टाइल में बनेगा। जैसे कि मैरिज आर्ट होता है, या जैसे वॉल में मैरिज आर्ट सब करते हैं, उसी स्टाइल में हम करेंगे थर्मोकोल के ऊपर। तो आज का वीडियो उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जो लोग मैरिज आर्ट करना चाहते हैं, वॉल पेंटिंग वॉल में करना चाहते हैं, और नहीं तो जो लोग मतलब सीखना चाहते हैं उन लोगों को आज वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है, बिना स्किप किए हम बीच बीच में बताते रहेंगे। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हम जरूर उसका आंसर देंगे। और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक जरूर लाइक कीजिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए प्लीज, क्योंकि मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है, वीडियो आप लोग आधा आधा स्किप करके देखेंगे तो आप लोग को मतलब मैं हम बीच बीच में कुछ ना कुछ टिप्स या कैसे किया है ये सब बताते रहते हैं, तो ये सब आप लोग नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मतलब जो लोग सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए वीडियो है, और जो लोग जानते हैं उन लोगों के लिए आप ये वीडियो अभी स्किप कर सकते हैं। फिर भी चलिए आज कुछ अलग स्टाइल में करते हैं थर्मोकोल नेम बोर्ड मेकिंग। आज हम स्प्रे मशीन का यूज किया है। यूजुअली हम लोग माउथ स्प्रे से करते हैं, लेकिन आज हमने स्प्रे मशीन का यूज दिखाया है। तो चलिए प्लीज एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, तो अगर हम नया वीडियो लाएंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि देखिए एक वीडियो में सीख पाना मुश्किल है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स। तो पहले हम थर्मोकोल का ऊपर हार्ट शेप बनाएंगे। तो हार्ट शेप हम थर्मोकोल के ऊपर डायरेक्ट ना बनाते हुए मैंने एक न्यूज़पेपर लिया, और न्यूज़पेपर के ऊपर देखिए फोल्ड करके आधा मैंने हार्ट इसमें ड्राइंग किया, और अभी इसको हम काट लेंगे। फिर न्यूज़पेपर को खोलेंगे तो ये पूरा फुल हार्ट शेप बन जाएगा। इसमें थोड़ा इजी रहता है बनाना हार्ट। देखिए हम कैसे हार्ट शेप को बना लिए। अभी ये न्यूज़पेपर को हम बैठा के टेलरिंग चौक से थर्मोकोल के ऊपर इसका ड्राइंग हम बना लेंगे। अभी देखिए मेरा हार्ट कितना अच्छे से बना, कितना सुंदर बना। अभी इसको हम घुमा के इसमें हम फ्लावर और पत्ती का डिज़ाइन बनाएंगे जो हम ड्राइंग कर ले रहे हैं। तो जो लोग वॉल पेंटिंग मतलब वॉल आर्ट मैरिज आर्ट करना चाहते हैं वो लोग भी सेम प्रोसेस है। दीवार में अगर करेंगे तो पहले ड्राइंग बना लेंगे, और उसके बाद देखते रहिए हम बताते रहेंगे। देखिए मेरा ड्राइंग बन गया। अभी इसका ऊपर हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर से इसका आउटलाइन कर लेंगे। ये क्यों कर रहे हैं ये थोड़ा हम बाद में बताएंगे। अभी अब फिलहाल आप लोग देखते रहिए। इसमें हम स्टेनर कलर यूज़ किए हैं, उसके साथ फेविकॉल ग्लू मिला के ब्लैक कलर का आउटलाइन बना रहे हैं। तो ये देखिए मेरा आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गया। अभी इसमें हम स्प्रे मशीन से कलर करेंगे। तो स्प्रे मशीन में मैंने येलो स्टेनर के साथ फेविकॉल ग्लू मिला के कलर बना लिए, और इसमें इसके कंटेनर में डाल लिए। और अभी हम येलो जहाँ जहाँ लगेगा येलो कलर कर रहे हैं, और येलो के बाद इसमें सेम येलो को निकाल के इसमें ऑरेंज कलर डाल लिए। कलर सेम है, स्टेनर कलर यूज़ किए हैं फेविकॉल ग्लू के साथ, और स्प्रे मशीन से बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आता है। जैसे माउथ स्प्रे में करते हैं उससे भी बहुत इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसमें बूंद जो निकलता है कलर का बहुत ही एकदम डस्ट टाइप का निकलता है, तो बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। आप लोग भी कीजिए, इसमें बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए अभी हम फ्लावर को रेड कलर कर रहे हैं, और उसके बाद लिप्स को हम फिर से थोड़ा येलो टच करके और ग्रीन कलर करेंगे। तो देखते रहिए।
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I've a... तो चलिए अभी हम बता देते हैं कि इसमें हमने एक बार ड्राइंग किए, फिर उसमें ब्लैक कलर का आउटलाइनिंग क्यों किए। देखिए, जो लोग पहले फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कलर जब करेंगे हम लोग, मतलब पहले मैंने जैसे टेलरिंग चौक से ड्राइंग बनाया, ये आप लोग पेंसिल से बनाएंगे, तो उसका ऊपर जब कलर करेंगे तो वो ढक जाएगा। जैसे देखिए, मैंने ये ऊपर में हम कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर मैंने कोई ड्राइंग नहीं बनाया है, तो हम लोग को एक्सपीरियंस हो जाता है बिना, मतलब हम लोग पहले कलर करके भी ड्राइंग बना लेते हैं। जैसे वॉल में मैरिज आर्ट जो लोग करते हैं, वो लोग पहले कलर डाल लेते हैं उसके बाद ड्राइंग करते हैं। लेकिन ये मतलब नौ सीखिया है, जो लोग सीख रहे हैं अभी, उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब ड्राइंग बनाएंगे उसके ऊपर कलर जब डालेंगे तो वो ड्राइंग आपको दिखेगा ही नहीं, ढक जाएगा। इसलिए ये हमने बॉर्डर किए, क्योंकि ये कलर करने के बाद भी देखिए दिख रहा है ड्राइंग, तो इसलिए हम पहले एक बार इसमें बॉर्डर कर लिए। और एक बार देखिए, कलर होने के बाद अभी हम फिर से इसमें बॉर्डर डाल रहे हैं। अभी जैसे ही मेरा ये बॉर्डर डालेंगे तो इसका ड्राइंग मतलब उभर के बाहर आ जाएगा और बहुत अच्छा दिखेगा। तो जो लोग मतलब मैरिज आर्ट करेंगे, वॉल आर्ट करेंगे, उन लोगों के लिए इतना दूर ही है, क्योंकि ये आप लोग दीवार में करेंगे। इसके बाद हम जो स्टेप लेंगे, मतलब इसका नेम बोर्ड, मेरा तो थर्मोकोल नेम बोर्ड का वीडियो है, तो इसमें हम अभी थर्मोकोल का ऊपर ही नेम लिखेंगे। लेकिन जो लोग वॉल आर्ट करेंगे या मैरिज आर्ट करेंगे, वो लोग अभी इसी का ऊपर मतलब डायरेक्ट कलर से नाम वाम लिखेंगे। तो बस सेम है प्रोसेस, वही प्रोसेस मैंने यूज़ किया है। तो हम नेम बोर्ड लिखेंगे अभी, अभी इसमें हम थर्मोकोल से ही इसका नेम लिखेंगे। देखिए, बॉर्डर हम कर रहे हैं तो इसका ऊपर देखिए कितना अभी उभर के ये पेंटिंग बाहर आ रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम ऐसे ही आर्ट रिलेटेड, पेंटिंग रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। और मतलब आप लोगों को कुछ जानना है इसके बारे में तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। देखिए, ये मेरा सूख के आ गया और अभी इसको हम काट लेंगे। ये मेरा बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया, अभी इसमें हम जो नेम बैठेगा उसको हम लिखेंगे। तो थर्मोकोल का दूसरा सेट लिए और हम कलर ग्लू बनाया है, कलर ग्लू मतलब कलर के साथ फेविकोल ग्लू मिला के हम लोग बनाते हैं। तो इसमें कलर ग्लू बना के देखिए हम नाम लिख रहे हैं, इसके ऊपर हम चुमकी डालेंगे। सेम इसी तरह से मैंने सब लेटर्स को लिख लिए और सुखा लिए। सूखने के बाद अभी इसको हम साइड सब पोर्शन को काट लेंगे थर्मोकोल कटिंग चाकू से, और फिर मेरा बोर्ड कंप्लीट, बोर्ड का ऊपर ये एडजस्ट करके बैठा लेंगे जहाँ बैठेगा। तो जो लोग मैरिज आर्ट करेंगे वो लोग डायरेक्ट मतलब ये थर्मोकोल के ऊपर नहीं लिखेंगे, वो लोग दीवार में ही लिखेंगे। तो देखिए, ये मेरा बोर्ड बन के आ गया, यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करके चिपका लेंगे और ये मेरा बोर्ड कंप्लीट। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, प्यार देते रहिए। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। थैंक्स एंड बाय फ्रेंड्स।